हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ सूरज। हम लोग आज MPSE 004 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो MA पॉलिटिकल साइंस में आता है। ये सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के बारे में है। मतलब इसमें हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, जो इग्नू का ये सिलेबस है सेकेंड ईयर का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में देखेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर आज से, आज हम लोग, ये मेरा पहला लेक्चर होगा। यूनिट वन है आज हम लोग का, प्री मॉडर्न सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। इसमें हम लोग प्री मॉडर्न यानी मॉडर्न से थोड़ा पहले के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा मॉडर्न जो है शेप में आया, कैसे हमारा मॉडर्न को इवाल्वेट किया गया, मॉडर्न को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। जब तक हम लोग प्री नहीं पढ़ेंगे, प्री मॉडर्न नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग मॉडर्न को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट हमारा यही है कि प्री मॉडर्न सोशल पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट है 1.1 इंट्रोडक्शन पढ़ा जाएगा, उसके बाद 1.2 है स्टेट एंड सोवरेनिटी इन एंशिएंट इंडिया पढ़ा जाएगा, उसके बाद 1.3 स्टेट एंड सोवरेनिटी इन मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रिलीजन एंड पॉलिटी क्या था हमारे इंडिया में, ठीक है। 1.5 समरी है, उसके बाद फिर 1.6 एक्सरसाइज है। तो हम लोग पार्ट वाइज पार्ट इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा लेक्चर का सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक होगा 1.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में आज देखेंगे, इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कैसे किया गया इस चैप्टर को, उसको समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इट इज एसेंशियल टू हैव ए ब्रॉड व्यू ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द मॉडर्न पॉलिटी हैज इमर्ज्ड। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग अगर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग को गुजरना पड़ेगा। हिस्टोरिकल प्रोसेस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह है, मतलब किस तरह हमारा हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है शेप करता है हमारे इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को, ठीक है। यानी हिस्ट्री को जो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कैसे जाना था कि हिस्ट्री का क्या रोल था पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानेंगे इसमें फर्स्ट, हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है ये फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो हिस्ट्री के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को शेप में लाया गया था हिस्ट्री के थ्रू। वी ऑल्सो हैव सिविलाइजेशन विच इज कंपेरेबल टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन लाइक ग्रीक सिविलाइजेशन। मतलब कहा जा रहा है कि हमारा जो सिविलाइजेशन था, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को बहुत सारे थिंकर नज़र आते हैं, जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, सॉक्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो सब जो है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से रिलेट करता था, ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेट करता था। तो ऐसा नहीं था कि हमारा कोई सिविलाइजेशन नहीं था, इंडिया का कोई सिविलाइजेशन नहीं था। तो जिस तरह से ग्रीक सिविलाइजेशन था, वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, उसी तरह से हमारा भी सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, और आज हम लोग यानी इस ईयर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो इंडिया से रिलेट करता है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो एंड एरिस्टोटल आर पायनियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन। मतलब कह रहा है कि प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो पायनियर थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में। उसी तरह जो है हमारा भी कुछ ना कुछ ट्रेडिशन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आवर एंशियंट एंड मेडिवल टेक्स्ट ऑन स्टेट क्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूड कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की, रिपब्लिकिज्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेलफेयर स्टेट, डिप्लोमेसी एज कम्पेयर विद वेस्टर्न टेक्स्ट। हमारा जो मॉडर्न, हमारा जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो भी ये सब इंक्लूड करता है, ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित नहीं है हमारे, मतलब पूरे वर्ल्ड पे अगर देखा जाए तो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। हमारा इंडिया जो है, इंडियन कल्चर कैसे डेवलप हुआ, इंडियन पॉलिटी कैसे डेवलप हुआ, इंडियन स्टेट क्राफ्ट कैसे डेवलप हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। हमारा भी स्टेट क्राफ्ट जो इंक्लूड करता था, रिपब्लिकिज्म जो इंक्लूड करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड करता था, वेलफेयर स्टेट इंक्लूड करता था, डिप्लोमेसी था, यानी हम लोग उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे वेस्टर्न टेक्स्ट से, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन आवर पॉलिटिकल अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम
इन आवर पॉलिटी अर्ली पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट सोसाइटी एंड गवर्नेंस वॉज इंटरलिंक टू इच अदर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है, जो स्टेट एंड गवर्नेंस वॉज इंटरलिंक टू इच अदर। जैसे हम लोग वेस्टर्न समाज में देखते हैं कि स्टेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे आप अगर प्लेटो को पढ़े हो, अगर प्लेटो के बारे में पढ़े हो, अगर आप ग्रेशन में प्लेटो के बारे में पढ़े होगे, तो स्टेट का वहाँ बहुत ज़्यादा रोल था, फिलोसोफर किंग का बहुत ज़्यादा रोल था। तो इस तरह हमारा समाज इस तरह नहीं था, हमारा जो सोसाइटी था वो सोसाइटी से भी लिंक करता था, गवर्नेंस से भी लिंक करता था, और इंटरलिंक्ड था एक तरह से। इसमें सिर्फ आप कहोगे कि राजा का ही रोल था, ऐसा नहीं था, ठीक है, या सिर्फ स्टेट का रोल था, ऐसा नहीं था। सोसाइटी का भी रोल रहा है, रिलीजन का भी रोल रहा है, सब चीज़ का रोल रहा है इसमें, गवर्नेंस का भी रोल रहा है, सब कुछ को आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कहोगे कि वेस्टर्न समाज और इंडियन समाज में डिफरेंस क्या था, तो एक बेसिक डिफरेंस ये आपको दिखेगा कि वेस्टर्न समाज जो था, वेस्टर्न सोसाइटी जो था, वो स्टेट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन हमारा जो इंडियन सोसाइटी जो था वो स्टेट से, सिर्फ स्टेट को ही फोकस नहीं किया गया है, सिर्फ राजा को फोकस नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि आप उसमें सिर्फ, या सोसाइटी को ही सिर्फ फोकस नहीं किया गया, इसमें हर चीज़ का आपको फोकस मिलता है, हर चीज़ के बारे में आपको जानने के लिए मिलता है। सोसाइटी जैसे वैदिक काल के बारे में आप समझ जानते हो, तो सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ वो सब भी पढ़ेंगे हम लोग। सोसाइटी का जो मतलब एक तरह से इंटरलिंक्ड था ये, ठीक है, गवर्नेंस भी इंटरलिंक था। अगर कौटिल्या के बारे में आप जान रहे हो, आगे हम लोग देखेंगे ये सब, कौटिल्या जो थे, अगर उनके बुक अर्थशास्त्र के बारे में जान समझने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको सोसाइटी का भी रोल मिलेगा। सिर्फ सोसाइटी से ही नहीं, आपको स्टेट क्राफ्ट भी मिलेगा, गवर्नेंस भी मिलेगा, ठीक है, ये सारा चीज़ मिलेगा आपको। आगे है, इन आवर पास्ट देयर वाज नो नीड ऑफ अथॉरिटी, पीपल लिव इन स्मॉल ग्रुप। हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट कहाँ से इवॉल्व हुआ, ठीक है। इन आवर पास्ट देयर वाज नो नीड ऑफ अथॉरिटी, पीपल लिविंग इन स्मॉल ग्रुप्स। यानी पास्ट में अगर देखा जाएगा, एंशिएंट पास्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं था, वहाँ पीपल जो है एक बहुत छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे, ठीक है। बट आफ्टर आफ्टर द ग्रुप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्लैस बिटवीन ग्रुप्स वाज स्टार्टेड एंड देन द अथॉरिटी वाज क्रिएटेड। मतलब कह सकते हो कि जब पॉपुलेशन ग्रो हुआ, पॉपुलेशन जब राइज होने लगा, तो क्लैस स्टार्ट हुआ समाज में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट नेचर स्टार्ट हुआ, केओस स्टार्ट होने लगा, ठीक है। मतलब आप उसमें जो है कि एक पहले जैसे स्मॉल ग्रुप्स था तो स्टेबिलिटी था, लेकिन जब पॉपुलेशन ग्रो हुआ तो अनस्टेबल होने लगा समाज, ठीक है, जो ग्रुप था, छोटा छोटा ग्रुप था, वो अनस्टेबल होने लगा। तो क्या किया वो लोग, एक अथॉरिटी को क्रिएट किया गया, यानी अपने पावर को सरेंडर किए, मतलब एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया। जैसे आप कह सकते हो कि किसी को अपॉइंट किया गया कि हाँ आप मेरे समाज को, समाज की रक्षा करो, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाया गया कि जैसे पुलिसिंग, आप कह सकते हो कभी के मॉडर्न एज में कि एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया, जैसे पुलिस जो है, पुलिस जो है हमारे समाज को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया कि जो हमारे, मतलब जो केओस हो रहा था समाज में, क्लैश हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश की जाए एक अथॉरिटी क्रिएट करके। फिर क्या हुआ, इन द फॉर्म, इन दिस फॉर्म सोसाइटी वाज फॉर्म। मतलब अगर हम एक इस तरह से अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, तो एक कुछ कोई बाउंड्री तो लिमिट करना पड़ेगा कि हाँ इस अथॉरिटी में इतना, इस अथॉरिटी में इतने, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ही अथॉरिटी काम करेगा, हर जगह के लिए तो हमें अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे अथॉरिटी मिलके क्या हुआ, एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, बाउंड्री धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करने लगा, मतलब धीरे धीरे जो है एक्सटेंड करने लगा बाउंड्री। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तो गवर्नेंस आया, आर्ट ऑफ गवर्नेंस वाज स्टार्टेड। मतलब कह सकते हो कि एक आर्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस जो था वो स्टेट के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। गवर्नेंस था, आप कह सकते हो कि जब अथॉरिटी फॉर्म हुआ था तब वो गवर्नेंस ही था, लेकिन एक स्मॉल एरिया में, कह सकते हो आप एक स्मॉल लिमिट, मतलब एक लिमिटेड बाउंड्री में था वो, लेकिन जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ तब उसका गवर्नेंस स्टार्ट हुआ। आगे क्या है हमारा देखते हैं, सोसाइटी, सॉरी, वी कैन से दैट इंडिविजुअल नीड लेड टू इमरजेंस ऑफ सोसाइटी एंड इट इज द कलेक्टिव नीड। मतलब कह सकते हो कि हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के नीड के अनुसार से सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, इमरजेंस ऑफ सोसाइटी कैसे हुआ कि इंडिविजुअल के नीड से हुआ है। एंड मतलब कलेक्टिव नीड कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल के कलेक्टिव नीड से, मतलब एक इंडिविजुअल आप नहीं कहो यहाँ कि एक सोसाइटी के कलेक्टिव नीड से, सोसाइटी में इंडिविजुअल ही हैं, एक एक इंडिविजुअल को आप कहोगे तो आपको सोसाइटी फॉर्म किया, और सोसाइटी के कलेक्टिव नीड से हमारा जो था वो ये हुआ, क्या कहते हैं, सोसाइटी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हुआ इंडिविजुअल के नीड से, ठीक है।
आगे है हमारा पॉइंट, हमारा पॉइंट है एंड कलेक्टिव नीड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज रिलेटेड टू स्टेट एंड गवर्नेंस। यानी कह सकते हो कि आप कलेक्टिव नीड जो था वो एक तरह से बहुत सारे थ्योरीज को फॉर्म किए, स्टेट को फॉर्म किए, गवर्नेंस को फॉर्म किए। ये सारा जो है हम देखेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में कैसे कैसे फॉर्म हुआ, कैसे इवॉल्वेट हुआ, ठीक है। तो आप इसमें बस ये समझो कि इंडिविजुअल के कलेक्टिव नीड से जो है सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, और इंडिविजुअल के ही कलेक्टिव नीड से यानी कलेक्टिव नीड ऑफ सोसाइटी से हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, स्टेट और गवर्नेंस फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद है सो द सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर बिकेम डिटरमिनेंट फैक्टर इन द इवॉल्यूशन ऑफ स्टेट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर जो, अब देखो इसमें आपको इवॉल्यूशन ऑफ स्टेट में आपको क्या क्या दिखा, हमारे इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार जो है हम लोग कह सकते हैं कि इवॉल्यूशन ऑफ स्टेट किस तरह हुआ है, एक सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर से, यानी सोशल भी इंक्लूड है। आप ये नहीं कर सकते हो कि एक हिस्टोरिकल फैक्टर या फिर स्टेट स्टेट क्राफ्ट जो है सिर्फ राजा के ही थ्रू इन्वॉल्व हुआ ऐसे, यानी पावर स्ट्रगल के थ्रू इन्वॉल्व हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जो वो सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर से बिलोंग करता है। यानी सोशल को हम लोग यहाँ नहीं बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सोशल जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल हिस्टोरिकल फैक्टर से के थ्रू हमारा इवॉल्यूशन ऑफ स्टेट हुआ है। आगे है हमारा फ्रॉम वैदिक सोसाइटी टू कॉलोनी इन इंडिया, इंडिया इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पार्ड थ्रू डिफरेंट फेजेस। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक वैदिक सोसाइटी को अगर आप लोग देखते हो और इंडियन कॉलोनियल इंडिया यानी ब्रिटिश राज के समय आप लोग देखोगे तो उस समय से लेके कॉलोनियल इंडिया ब्रिटिश राज तक में बहुत सारे इवॉल्यूशन हुए, बहुत सारे चेंजेज आए, ठीक है। यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है बहुत सारे डिफरेंट फेजेस से गुजरा है। अब वैदिक काल में देखोगे तो आपको, अगर अर्ली वैदिक काल में देखोगे तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल था, महिलाओं को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेटर वैदिक काल में आप देखोगे तो महिलाओं का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा, सोशल मतलब ये प्रताड़ित किया जाने लगा, या फिर बहुत कुछ आप कह सकते हो उसमें, ठीक है। बस मतलब चेंजेस आप देखो, ठीक है, यानी गवर्नेंस में चेंजेस भी देख सकते हो कि वहाँ उस समय का कैसे रोल था, उस समय के गवर्नेंस सिस्टम कैसे थे, वहाँ उस समय का जो था समाज कैसा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है कॉलोनियल वर्ल्ड आते आते बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आप कुछ इमेजिन कर सकते हो कि कितने ड्रास्टिक चेंज आए थे जब कॉलोनियल वर्ल्ड, जब ब्रिटिश इंडिया में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे, यानी कुछ अच्छे भी मिलेंगे आपको, कुछ खराब भी मिलेंगे। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ चेंजेस, सिर्फ चेंजेस कितने मिले, डिफरेंट फेजेस से गुजरा है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इट कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मतलब कह सकते हो कि ये जो फेज जो है वो कंट्रीब्यूट किया इंडियन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को डेवलप करने में, ठीक है। तो वही हम लोग समझेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्ट जो था अर्ली, मतलब अर्ली मॉडर्न पीरियड जो था, किस तरह जो है हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कैसे शेप में लाने की कोशिश किया है, मतलब कैसे इवॉल्वेट किया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द सम फैक्ट्स अबाउट प्री मॉडर्न इंडिया, ठीक है। प्री मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पॉलिटिकल थॉट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, फतेह जरदारी एंड आयने अकबरी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यानी हम लोग प्री मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से टेक्स्ट को ज़्यादा, मतलब बेसिकली फोकस करेंगे, मनुस्मृति को फोकस करेंगे, अर्थशास्त्र को फोकस करेंगे, ठीक है, फतेह जरदारी को फोकस करेंगे, आयने अकबरी को फोकस करेंगे। यानी ये जो है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है जो बेसिकली आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, सोसाइटी के बारे में डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमारा सोसाइटी इवॉल्व हुआ, स्टेट क्राफ्ट इवॉल्व हुआ, ठीक है। आगे है दिस आर द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इन स्टेट क्राफ्ट। आप कह सकते हो कि ये जो है स्टेट क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, तभी इन सारे टेक्स्ट को हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। वी विल ट्राई टू इवॉल्वेट द इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी थ्रू दिस टेक्स्ट। मतलब हम लोग इस चैप्टर के यानी इस टेक्स्ट के थ्रू जो है हम लोग इवॉल्वेट करने की कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति कैसे, मतलब स्टेट क्राफ्ट में कैसे रोल था मनुस्मृति का, क्या उस समय का सीन था, ठीक है। सब कुछ जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग समझेंगे इस टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। इन फर्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ठीक है। जो हम लोग फर्स्ट सेक्शन देखेंगे हमारे इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोग जैसे देखेंगे आगे जो हमारा 1.2 होगा वो बेसिकली आपको ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि कैसे इवॉल्वेट हुआ है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा 1.3 होगा देन इस्लामिक ट्रेडिशन, मतलब इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में देखेंगे हम लोग 1.3 में। बेसिकली जो हमारा 1.3 है वो इस्लामिक ट्रेडिशन पे, जिस समय मुगल रूल थे उस समय के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें
आईने अकबरी के बारे में देखेंगे, फतेह जरदारी के बारे में देखेंगे उसमें, ठीक है। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र हो गया आपको, 1.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और 1.3 में हम लोग बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फतेह जरदारी और आईने अकबरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1.3 में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा फाइनली द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। रिलीजन और स्टेट के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह रिलीजन और स्टेट जो है फैक्टर था एक तरह से हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप करने में, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी को डेवलप करने में, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देना है या फिर आपको कैसा लगा लेक्चर, आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, आगे लेक्चर बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।